आजकल विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटना। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा किसी सरकार में भी। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं, पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। प्रमुख रूप से भी हाल ही में जो घटना घटित हुई जो चंबा जिला के सलोनी सब डिविजन के अंतर्गत 25 साल का एक नौजवान मनोहर नाम का 6 तारीख को घर से गायब होता है, शाम तक घर नहीं पहुंचता है। उसके पश्चात परिवार के लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदारों के यहां पर संपर्क करने की कोशिश की, जब उनकी खबर नहीं मिली तो पुलिस में दर्ज की रिपोर्ट और उसके बाद गांव वाले पुलिस वाले सब मिलकर के जब उसको ढूंढने के लिए निकले, 3रे दिन उनकी लाश एक बोरी के अंदर घर से थोड़ा दूर एक नाले के अंदर मिलती है। लेकिन जब बोरी को खोला गया तो उसमें शरीर के 8 टुकड़े करके उसके अंदर रखा गया। और इस घटना के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आक्रोश का एक रोष का एक माहौल था और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में चंबा जिले में बहुत ज्यादा था। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए, इस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन सलोनी सब डिवीजन के प्रवेश होने से पहले ही हमको वहाँ पर हमको रोक दिया गया। यानी कि जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, इस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापिस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहां पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकला है, 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और जहां तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि वहाँ वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शत्रुंडी हत्याकांड वहाँ पर आपको मालूम है कि 98 में हुआ, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहाँ पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके। ऐसे में इस बात को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है कि इसके इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हत्या तक नहीं आगे भी होनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस प्रकार से है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है सरकार की, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बैंक की ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बातें हैं उसमें, और जो उसके व्यवहार की बातें हैं, उन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उस सारी चीज़ की जाँच करे। ये हमने आज माननीय राज्यपाल महोदय जी के समक्ष अपना आग्रह रखा, निवेदन रखा, जिसमें हमने कहा कि आप इस सारे मामले को की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जो है वो NIA के माध्यम से करने की जो हमने जो मांग की उनके समक्ष रखी है। और जहां एक बात को लेकर के मुझे जो चिंता का विषय बना, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान ये आता है कि जिस प्रदेश में 97% हिंदू हैं वहां में हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
ऐसी बयानबाजी से बहुत माहौल खराब होता है और ऐसी बयानबाजी से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। और यही नहीं, दिल्ली में गए पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहां भी ये स्टेटमेंट दिया, और यहां से आगे बढ़कर के जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में उनका जाना हुआ तो वहां पर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, बहुत सारी चीजों को हमारी जानकारी है, उनको हशअप करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्स जो है ठीक है, गिरफ्तारी हुई है वो तो सबूत के साथ हो गई है उस बात को लेकर के, लेकिन उस सारी चीज की इन्वेस्टिगेशन NIA के माध्यम से बनती है और इस गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम महामहिम राज्यपाल मोदी जी को अपनी बात कहने के लिए। देखिए, सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि क्षेत्रवाद के नाम पर भी भाजपा प्रदेश को अलग करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं इस बात को लेकर पर सीधा कहना चाह रहा हूँ, भाजपा इसमें कहाँ से आ गई? क्या पीड़ित के परिवार को मिलना गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मिलना चाहते हैं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, पूर्व में मैं मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश का रहा हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते और पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, पार्टी के अध्यक्ष और हम सब लोग मिलने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। होना तो ये चाहिए तो उल्टा कि मुख्यमंत्री को हमसे पहले जाना चाहिए। ना मंत्री गए ना मुख्यमंत्री गए, और जब हम जा रहे तो हमको रोका जा रहा है। और जहाँ तक सारी चीज़ों को लेकर के जो आप पूछ रहे हैं, पर्टिकुलरली के क्षेत्रवाद के, और हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई मंत्री खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, पुलिस की उपस्थिति में भाषण दे रहा है, मीडिया की उपस्थिति में भाषण दे रहा है, जिसमें क्षेत्रवाद की बात कही गई है। और मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री को इस सारी बात का संज्ञान लेकर के जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं, तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद सारी चीजों को रफा दफा करने की ये प्रक्रिया चल रही है। इससे हिमाचल का भला नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में 6 महीने में 40 से ज्यादा मर्डर हो गए और उसके बावजूद बोल रहे कि राजनीति कर रहे। 150 से ज्यादा वहां पर हिमाचल प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घटित हो गई, उसके बावजूद बोल रहे राजनीति करने के लिए। इस प्रकार की परिस्थिति प्रदेश में बन गई है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम से चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है, यही हम देखें। पिछले कल उप मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही है, भाजपा का केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर कार्यक्रम चल रहा है। उनसे मुख्यमंत्री ने IIT कमाल में कहा है कि इनका स्किल इंडिया कहीं दिखता नहीं है, मुझे हराने खुद प्रधानमंत्री आए थे, परंतु हम चुनाव जीते, ये हमारा स्किल। देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, मैंने अभी तक सुनी नहीं, लेकिन अगर आपके माध्यम से अगर ये जानकारी हमको आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मंत्रियों का तो हो गया, और अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की स्थिति भी उस प्रकार की है, और चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सब लोग आते हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल में, उनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है विकास के लिए। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सारे इस तरह से क्या जो केंद्र की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए जब G20 के अंतर्गत वहां पर उप मुख्यमंत्री को वहां पर बुलाया और वहां पर उप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और छोटी सोच, संकीर्ण सोच, बेहुदा सोच मैं शब्द कहूंगा, वो शब्द जो है मुझे गुस्से में इस बात को कहना पड़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है।